अस्सलाम वालेकुम। ख्वाब में दरिया देखना। ख्वाब में दरिया देखने से मुराद है बादशाह या बड़ा आलम। अगर ख्वाब में देखते हैं कि दरिया का पानी रोशन और साफ और मज़ेदार है, तो इसका मतलब है जो बादशाह होगा वो पारसा और आदल और मनसब होगा। और अगर देखें कि दरिया का पानी मेला और कड़वा है, तो इससे मुराद ये है कि बादशाह फसादी और जालिम होगा। अगर कोई शख्स ख्वाब में देखता है कि उसने दरिया का पानी पिया है, तो इसका मतलब यह है कि वो हक में वक्त से फ़ायदा, इज्जत और रुतबा बुलंद पाएगा। और अगर ख्वाब में देखे कि दरिया से पानी लेकर मटके में डाला है, इसका मतलब यह है कि इसी कदर इसको बादशाह से नफ़ा हासिल होगा। अगर कोई शख्स ख्वाब में देखे कि दरिया में डूबा है, इसका जिस्म कीचड़ से भर गया है, तो इसका मतलब यह है कि इसको बादशाह से रंजोगम पहुँचेगा। अगर ख्वाब में देखे कि अपने जिस्म को मट्टी से धोया है, तो इसका मतलब यह है कि इसका गम ख़त्म हो जाएगा। अगर कोई शख्स ख्वाब में देखे कि दरिया के पानी में तैरता है, तो इसका मतलब है कि बादशाह इसको कैद करेगा। और अगर कोई शख्स ख्वाब में देखे कि दरिया से तैरकर निकला है, तो इसका मतलब है कैद से रिहाई पाएगा। अगर कोई शख्स देखे कि दरिया में गर्क होकर मर गया, तो इसका मतलब ये है कि दीन के काम में मुस्तगर्क होगा। और अगर कोई शख्स ख्वाब में देखे कि दूर से दरिया को देखता है और पास नहीं गया, तो इसका मतलब ये है कि उम्मीद पूरी होगी। अगर कोई शख्स ख्वाब में देखे कि वो दरिया पर से गुजरा है, लेकिन इसके पांव तर नहीं हुए, तो इसका मतलब है दोजख की आग से अमन में होगा और दुनिया के काम इस पर आसान होंगे। अगर कोई शख्स ख्वाब में देखता है कि वो दरिया में है, तो इसका मतलब है कि वो बादशाह की खिदमत में उसके ताबेदार रहेगा। अगर कोई शख्स देखता है कि वो ख्वाब में दरिया के दरमियान में पहुँच गया है, इसका मतलब है इसका हर काम बखतरा होगा। और अगर कोई शख्स देखता है कि वो दरिया से निकल गया है, तो इसका मतलब है वो बेगम होगा। अगर कोई शख्स ख्वाब में देखता है कि उसने दरिया के पानी से खुद को धोया है, इसका मतलब है कि वो बादशाह से अमन में रहेगा। अगर कोई शख्स ख्वाब में देखे कि दरिया का पानी गर्म है और उसने पिया है, तो इसका मतलब है कि गुनाह करेगा। अगर कोई शख्स ख्वाब में देखे कि वो दरिया से गुजर गया है, तो इसका मतलब है कि वो दुश्मन पर फतह पाएगा। और अगर देखे कि दरिया का पानी ज्यादा हो गया है, तो इसका मतलब है कि बादशाह के लश्कर समेत हलाक होगा। अगर कोई शख्स ख्वाब में देखे कि उसने दरिया से शिकार पकड़ा है, तो इसका मतलब हलाल रोजी पाएगा, इसके आयाल पर ऐश फराख होगी। अगर हमारी वीडियो पसंद आई है, तो लाइक और शेयर करें और कमेंट भी करें। और मज़ीद ताबीर जानने के लिए हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।